हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 6 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आप क्या लेके मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। थ्री ऑफ वाटर, Temperance, Eight of Earth, Eight of Fire, and the High Priestess. Okay. So, हमारे पास है Temperance. Temperance के होने का मतलब है कि changes आ रहे हैं और वो changes इस person को बहुत अच्छे नहीं लग रहे. I think Eight of Earth का card है, so ये पर्सन ये देख रहा है कि आपके लिए दूसरी चीजें भी प्रायोरिटी है। ओके, लव ही सब कुछ आपके लिए नहीं है। एंड ऑल्सो आप स्ट्रांग भी हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एट ऑफ अर्थ बात करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की और इंडिपेंडेंस की और कॉन्फिडेंस की भी। सो आई थिंक ये पर्सन जानता है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपके साथ लाइफ के चैलेंजेस को फेस करे, ओके, ना कि आपको अकेला छोड़ दे जब चैलेंजेस आए और आप ही उन सब चीजों को फेस करें। तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो जल्दबाजी में है और एक रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए आप बाकी सारी बातों को भूल जाएंगे, या आपको अकेलापन इतना परेशान कर सकता है, आप ऐसा सोचेंगे कि आपको अकेलापन इतना परेशान कर सकता है कि आप अकेले रह ही ना पाए। तो उस सेंस में इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है, आप उन लोगों में से नहीं है जो कि अकेलेपन से डरते हैं या फिर लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए इसलिए रिलेशनशिप में है। आप अगर रिलेशनशिप में आएंगे तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चाहिए आपको। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि डिपेंडेबल हो। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि वाकई में लवेबल हो, जिसको आप लव ऑफर कर सके, वो आपको लव ऑफर कर सके, और चैलेंजेस को भी आप रिलेशनशिप का एक हिस्सा समझें और यू नो उसे साथ में मिलके फेस करें। तो वो जानते हैं कि आपको एक मैच्योर पर्सन चाहिए एंड आप किसी जल्दबाजी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ऑफर करेंगे और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपको रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, इसलिए बस आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें पता है कि आपका दिल जीतना एक टास्क है और इस टास्क में उन्हें अपना 100% एफर्ट करना पड़ेगा, और वरना वो आपको कभी नहीं पा सकते, क्योंकि एट ऑफ फायर के साथ ये पर्सन एक नई जर्नी के बारे में सोच रहा है। वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं जल्द से जल्द। आई थिंक या तो ये एक नया रिलेशनशिप है या कोई क्रश है, ओके, या आपका क्रश हो सकते हैं और आप इनका क्रश है। एंड यहाँ पे एक डिफरेंस मैं देख रही हूँ, इस पर्सन के अंदर बहुत फायर है, जल्दबाजी है, पैशनेट है ये पर्सन। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में भी हो। ये पर्सन लस्ट फील कर रहा है और जल्दी से जल्दी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। बट एक बात जो उन्हें समझ में आ गई है कि आपको एक रियल रिलेशनशिप चाहिए और आप किसी जल्दबाजी में नहीं है। आपके लिए ये लस्ट या ये फायर इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि आप यूं ही आगे बढ़ जाएं बिना कुछ सोचे। सो टेम्परेंस के साथ चेंजेस आएंगे। आप देखेंगे कि ये पर्सन कितना ज्यादा डेस्परेट है आपकी अटेंशन के लिए। सो अगर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो जल्दी ही चीजें बदलेंगी और आप क्लियरली देख पाएंगे। एंड यस, अपने इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस आपको बहुत सारे मैसेजेस भी देगी, ओके? ये जो चेंजेस आएंगे वो आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। वो समझना आपको पड़ेगा, जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं वो यूं ही नहीं देख रहे हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको नोटिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लीजिए। ऑल्सो थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है। ये पर्सन आपको पाकर बहुत एक्साइटेड है, इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो आपसे मिलकर ये बहुत एक्साइटेड है। इनका आप पे काफी स्ट्रांग क्रश है
लगता है आजकल ये आपके बारे में बात किए बिना रह नहीं सकते। हर बात घुमा फिरा के एक्वेरियस के बारे में ही हो जाती है। हर बात इम्पॉर्टेंट है तो एक्वेरियस की वजह से ही है। एक्वेरियस ही वो लवर है जो उन्हें हैप्पीनेस दे सकता है। आजकल एक्वेरियस के सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं, और कुछ ना एक्वेरियस से अच्छा है। ओके सो ये पर्सन दूसरों से काफी डिस्कशन कर रहा है आपके बारे में, और उनके लिए आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई नहीं। वो दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन उनके क्लोज आ सकता है। काफी अच्छी बातें हो रही हैं आपके बारे में, लाइक आप कितने फ्रेंडली है, कितने अट्रैक्टिव है, कितने ज्यादा समझदार है। द हाई प्रीस्टेस ऑफ कोर्स आपको ये बताएगी कि इनका एक्चुअल इंटेंशन है क्या, क्योंकि ये जल्दबाजी में है, अभी इन्होंने कुछ भी क्लियरली डिसाइड नहीं किया है। सो हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि आराम से आगे बढ़िए, आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन ये तो यही रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी नजर आप पे इस वक्त फिक्सेटेड है और वो आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए कोई भी फैसला लेने से पहले, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको बेस्ट गाइड करेगा इस सिचुएशन में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ फायर, एस ऑफ वाटर, टेन ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर। ओके सो हमारे पास है फोर ऑफ फायर। फोर ऑफ फायर है कमिटमेंट के बारे में, फोर ऑफ फायर है नई जर्नी के बारे में, एक ट्रांजिशन के बारे में जो कि आसान नहीं है बट ब्यूटीफुल होगा। ओके इस फोर ऑफ फायर से निकल के आप काफी दूर तक जाएंगे। हालांकि इस वक्त आप इस पर्सन को क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा डिमांडिंग कोई नहीं हो सकता। आपका दिल जीतना आसान नहीं है, बट जीतना भी उन्हें आप ही का दिल है, क्योंकि वो आसान नहीं है और उन्हें लगता है कि आपका ट्रस्ट जीतना मतलब कि वो पूरी जिंदगी सिक्योर रहेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप उसी को चूज करेंगे जैसे आप वाकई में प्यार करते हैं। रिलेशनशिप आपकी जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप आपके लिए आपका गिफ्ट होगा। सो एस ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन ये जानता है कि आप उनके लिए गिफ्ट है। एंड टेन ऑफ एयर के साथ ये थोड़े ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक आप उनसे कुछ भी कहेंगे, जैसे कि आप उनसे अभी नहीं मिल सकते या कोई प्रपोजल वो दें, आप बोलेंगे कि इसके बारे में आप सोच ही बताएंगे, तो ये पर्सन अपसेट हो जाएगा। इन्हें लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ थैरो आपसे कह रहा है कि इसकी परवाह आपको करने की जरूरत नहीं, आप एक बैलेंस बनाएंगे जल्द ही, और जब ये बैलेंस अचीव हो जाएगा तो भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक मैसेज क्या है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन एंड यू आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने हायर सेल्फ से बातें कीजिए, अपने इंट्यूशन से बातें कीजिए, यानी अपनी सोल को वो बताइए जो आप चाहते हैं, आप बस प्रे कीजिए। ओके सोचिए, आपके थॉट्स भी आपकी सोल सुनती है, आपको कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो सिंपल तरीका है इसका कि आप चीजों के लिए प्रे करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, और जो बैलेंस आप चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव होगा ताकि आप दोनों आगे बढ़ें। ओके सो अपने पेस पे जाइए, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके लिए हमेशा वेट करेगा, आप उसे लूज नहीं कर सकते। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट विद योर, बाय।